हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ निरावणी और आज मैं आपके लिए एक नया एक ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसकी मदद से आप किसी का भी व्हाट्सएप का स्टेटस सेव कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो उससे पहले, अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर सबके व्हाट्सएप में तो स्टेटस आता है, तो हमको ये एक एक स्टेटस पसंद आ जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जिसका स्टेटस होता है उसे हम रिप्लाई दे देते हैं, कि रिप्लाई देकर क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्टेटस मुझे भेज दे। तो पता नहीं वो भेजता है पर नहीं भी भेजता है, तो उसके तो आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप किसी के भी स्टेटस को एक सेकंड में सेव कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, देखो पहले क्या कर देना है, फाइल मैनेजर को ओपन कर देना है। उसके बाद ऑल फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखो थ्री डॉट का एक ऑप्शन है, तो उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखो शो लिखा है, सो यहाँ पर शो हिडन फाइल, इस पर क्लिक कर देना है। सब में होता है ये ऑप्शन, तो शो हिडन फाइल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एंड्रॉइड लिखा होगा, एंड्रॉइड पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ पर देखो whatsapp.com लिखा होगा, यहाँ पर जाना है। फिर यहाँ पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर देखो एक मीडिया का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा, जो हिडन फाइल है उसका ऐसा दिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो स्टेटस लिखा है, यहाँ से किसी का भी स्टेटस को आप सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करके किसी का भी स्टेटस को सेव कर सकते हैं, ऐसा करके कॉपी करके आप किसी आपके फाइल में सेव कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप किसी के भी स्टेटस को सेव कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।